हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग यूनिट 5 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पाइथन में जो यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना था, उसमें पढ़ना था फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेमवर्क्स में हम लोग पढ़ना था मेनली डजांगो और वेब 2 PY के बारे में। इसके साथ ही हम लोग इसके लाइब्रेरी के बारे में भी पढ़ते कि पाइथन में कौन कौन से लाइब्रेरी हैं। उसमें हम देखते हैं पांडा और नमपाई जो है ना, उसका बेस्ट यूज होने वाला लाइब्रेरी है। और फ्रेमवर्क में देखें तो डजांगो और वेब 2 PY जो है ना मस्ट यूजफुल जो है ना फ्रेमवर्क। वैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क और बहुत सारे लाइब्रेरी भी हमारे पाइथन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट इज ए फ्रेमवर्क, क्या होता है फ्रेमवर्क। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या यूजर टाइम इफिशियंसी होता है या ऑथर टाइम इफिशियंसी होता है या बोथ, दोनों होता है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं कि आप आंसर बना देंगे। ये होता है ऑथर टाइम इफिशियंसी, क्योंकि ये टाइम को वहाँ पे जो है ना सेव करता है, क्योंकि हमें बने बनाए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हम लोग उसको इजिली जो है ना यूज कर लेते हैं, बार बार उसको रीयूज करते हैं। तो हमें अलग से एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता है अपने प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए। तो वहाँ पे हमें टाइम का सेविंग हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑथर टाइम एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल स्टैक फ्रेमवर्क। हम लोग फुल स्टैक फ्रेमवर्क और एक होता है माइक्रो स्टैक फ्रेमवर्क, दोनों पढ़े हैं और दोनों का डिफरेंस भी देखें। जब हम लोग पढ़ रहे थे सिलेबस को, तो वहाँ पे माइक्रो स्टैक फ्रेमवर्क और फुल स्टैक फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, और सभी में हम लोग 10-10 का नाम भी देखे थे। तो वहाँ पे देखे थे कि वेब 2 PY है, ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। डजांगो भी फुल स्टैक फ्रेमवर्क है और टर्बो गियर्स भी फुल स्टैक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डजांगो ऐप, डजांगो ऐप क्या है। तो डजांगो तो हम लोग जानते हैं एक फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके क्या बेसिक फीचर है ऑप्शन में देख करके आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है डजांगो ऐप इज एन एक्सटेंडेड पैकेज विथ बेस पैकेज इज ए डजांगो, यस इट इज ए राइट। सेकंड में कह रहा है कि डजांगो ऐप इज ए पाइथन पैकेज विथ इट्स ओन कंपोनेंट, तो इसका अपना जो है ना कंपोनेंट्स होता है और ये पाइथन का पैकेज है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बोथ 1 और 2 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डजांगो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डजांगो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एड्रिन होलोबैटी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है डजांगो इज बेस्ड ऑन विच फ्रेमवर्क, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क है। हम लोग पढ़े थे थ्योरेटिकल पार्ट में कि MVT फ्रेमवर्क पे जो है ना ये बेस्ट, MVT पे बेस्ट है। MVT का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, MVT का फुल फॉर्म मॉडल व्यू टेम्पलेट, और इसी पे जो है ना डजांगो फ्रेमवर्क बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डजांगो, डजांगो का एडवांटेज क्या, अगर हम इस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं पाइथन में तो क्या इसका एडवांटेज है। तो इट सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअल, यस ये जो है ना मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट द फ्रेमवर्क, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एडमिनिस्ट्रेशन है इसके पास। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि डजांगो इज रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि डजांगो फ्रेमवर्क को किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये पाइथन में लिखा गया है और पाइथन का ही ये आपका फ्रेमवर्क है और पाइथन लैंग्वेज में ही इसको लिखा गया है। डजांगो ऐप का है या वेब 2 PY का है, ये दोनों जो है ना आपको पाइथन में ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है डजांगो इज अ टाइप ऑफ, डजांगो क्या है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नहीं है। सॉफ्टवेयर है, नहीं है। वेब फ्रेमवर्क है, यस इट इज अ वेब फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि वेब 2 PY इज रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि वेब 2 PY ये भी एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो इसको किस लैंग्वेज में, C++ में नहीं लिखा गया है, जावा में नहीं लिखा गया है, यानी कि इसको पाइथन में लिखा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वेब 2 PY supports various protocols like, यानी कि वेब 2 PY जो है ना वेरियस जो है ना प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो इनमें से किसको सपोर्ट करता है, XML को सपोर्ट करता है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, हाँ इसको सपोर्ट करता है। JSON प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो हाँ इसको भी सपोर्ट करता है, इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको भी सपोर्ट करता है।
आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रिच साइट समरी। रिच साइट समरी भी एक प्रोटोकॉल होता है और इसको ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को सपोर्ट करता है, रिच साइट समरी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फीचर्स ऑफ वेब 2 PY। वेब 2 PY एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिसका यूज हम लोग पाइथन में करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है इसका फीचर्स क्या है वो बताइए। तो फीचर्स इसका इजी टू लर्न, यस इजी टू लर्न है, पोर्टेबल है, तो हाँ। इट हैज लाइब्रेरी दैट सपोर्ट मेनी टास्क, तो हाँ इसके पास लाइब्रेरी भी है जो मेनी टास्क को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेब 2 PY डिफॉल्ट पोर्ट इज, यानी कि वेब 2 PY का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो 8000 है और साथ ही साथ डजांगो का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर भी 8000 ही है। तो इसे ध्यान रखेंगे, दोनों का पोर्ट नंबर 8000 है।